अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल आरफाज किचन एंड हर वर्ड से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज अपनी ज़ैरा भाभी के घर पे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैरा भाभी। वालेकुम अस्सलाम आरफा। ज़ैरा भाभी हम लोगों की बहुत अच्छी सीनियर हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इतना इनका शफ़क़त आमेज रवैया है हमारे साथ। तो आज मैं ज़ैरा भाभी के घर आई थी, तो मैंने कहा आज कुछ ज़ैरा भाभी 3.5-4 साल बाद अमेरिका से आई हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी बातें ज़ैरा भाभी से कर लें ताकि वो हम लोगों को कुछ नसीहत कर दें, कुछ बताएं। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी माशाल्लाह। तो ज़ैरा भाभी माशाल्लाह 30-32 साल सऊदी अरब में रहीं और एज ए प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एम्बेसी स्कूल रिटायर हुई और फिर ये अमेरिका चली गई और अमेरिका में ही अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे स्टाइल से माशाल्लाह गुजार रही हैं कि हम लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी मशले राह है, मैं कहूँगी। तो ज़ैरा भाभी आप हमें बताइए अपना अपना थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री थोड़ी सी बता दीजिए और सऊदी अमेरिका में आपकी जो लाइफ स्टाइल है माशाल्लाह उसके बारे में हमें बताइए। बस जैसा कि अभी तुमने कहा कि वो जुबैल में सऊदी अरब में रहे तकरीबन 30-35 साल, मतलब पूरा गुजर गया वहीं पे सारा प्राइम टाइम। सही है। बस वहीं पे बच्चे हमारे जब बड़े वहीं हुए, स्कूल वहाँ पे किया, बहुत अच्छा वो गुजरा जो मैं में तो जी। बल्कि आरफा से सबसे सऊदी अरब से ही जो है वहीं से जो है वो शुरुआत हुई, जो कि अभी हो गया है कि नाउ वी आर फैमिली। जी बिल्कुल, बहुत शफ़क़त आमेज इनका बर्ताव है हम लोगों के साथ। और जो छोटे छोटे बच्चे उस वक्त थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने खूब तरक्की दी सबको और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। और आरफा और वक़ार ये तो बिल्कुल कहते हैं ना आपस में मियाँ बीवी हैं, लेकिन हमारे दोनों भाई बहन हैं, वो भाई हैं। बहरहाल जुबैल में भी समझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी कंपनी रही। कहते हैं ना गैर मुल्क में आप जाइए तो पराए अपने हो जाते हैं, तो वही सिलसिला था। तो उसके बाद हर साल हम लोग यहाँ आते थे, इसलिए बेटे हमारे यहाँ थे, दो बेटे यहाँ मतलब अमेरिका में थे और एक बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ तो आना जाना लगा रहता था छुट्टियों में। लेकिन जब आखिर में जब रिटायर होकर जब यहाँ आए हैं तो फिर मैंने बहुत मिस किया सऊदी अरब को, बहुत मिस किया। अब बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे छुट्टियों में आए हैं, बस अभी जाने वाले हैं, चले जाएंगे। लेकिन और शुरू में ये भी था कि पता नहीं यहाँ कैसे रहेंगे, दिल लगेगा कि नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ भी सऊदी अरब में भी बहुत अच्छा वक्त, मतलब सऊदी अरब से निकल के उसमें अभी तक ऐसा लगता है कि सऊदी अरब हमारा अपना वो है, वहाँ से हम निकले हुए हैं। हाँ, सही कह रही है, बिल्कुल लगता है कि वही अपना मुल्क है। हमारे बच्चे भी यही कहते हैं कि जब मैं आपको जिक्र करती कहती हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ जो है वो सऊदी अरब था जुबैल। तो यहाँ भी माशाल्लाह दो बेटे हैं, तो पहले हम साथ ही थे, लेकिन अब हमारा घर जो है वो अलग है, छोटा सा अपना अमरीका में। तो दोनों बेटे भी हमारे अजीब करीबी हैं, उनका घर भी एक ट्राइंगल सा है, तो बस इतना है कि 10-15 मिनट की ड्राइव हम लोग की है। ज़ैरा भाभी अलग रहती हैं, इन्होंने अपना अपार्टमेंट वहाँ पे लिया हुआ है और दोनों बेटे, तीनों बेटे अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन सब करीब जी। तो और वो अब ज़ाहिर पोते पोती हैं, वो तो मेन अट्रैक्शन है वहाँ का। तो बड़े हो गए तो पोते दी अब कॉलेज में चले गए हैं, रूमी के बेटे हमारे बड़े बेटे के जो बच्चे हैं वो दोनों कॉलेज में अब जा रहे हैं, हसन और आयशा। फिर अनवर जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके दो बच्चे हैं, आलिया 3 साल की हैं और अभी हुए छोटे 6 महीने के हैं अमीन। तो सबसे छोटे फर्रुख जिन्होंने सऊदी अरब में सब ज्यादा वक्त जो है आप लोगों के साथ गुजारा, है तो वो भी बिल्कुल सबसे उनकी इतनी ज्यादा दुबई में भी रहा है। तो उनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं,
रेहान, राही और छोटे अभी 8 महीने के हैं, वो सबसे ज्यादा मतलब ऐसे तो तीनों ही बहुत ही वो हैं, मतलब आगे पीछे रहते हैं, और लेकिन छोटे वाले जो हैं वो तो बस वो शुरू से आपके साथ ही रहे हैं, काफी टाइम गुजारा सऊदी अरब में बच्चों के साथ, बहुत अच्छा वक्त आते जाते रहते हैं, कभी हम जाते हैं कभी लोग आते हैं। उसके बाद अपनी बिल्डिंग में भी फिर ये हुआ कि भाई अपनी भी कोई मतलब अपनी भी जिंदगी कुछ होनी चाहिए, अपनी कुछ मसरूफियात होनी चाहिए, तो उसके लिए तो खैर हमने शुरू में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेते रहते हैं, कुछ अपना किताब विताब भी पढ़ते भी लगते हैं, कुछ लिखते भी रहते हैं। बिल्डिंग में हमारे हम अकेले जो हैं वो इंडियन हैं, मतलब ये देसी हैं, बाकी सब हम सारे गोरों से आपने दोस्ती की, सब गोरे हैं सही है, और बड़े खुश रहते हैं वो, हाँ, हम लोगों ने जिंदा दिल, हाँ, जिंदा दिल होते हैं, बहुत जिंदा दिल होते हैं, और ये तो हमारी भाभी के लिए भी है कि भाभी माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल है, और हम लोग इनको देख के इनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं कि हम लोग भी भाई इसी तरह से अपनी जिंदगी। इस मामले में आरफा जो है वो तो सबसे बाजी ले रही है, हम तो इनको कहते हैं भैया मल्टी टैलेंटेड है, मतलब जिस फील्ड में ये हाथ डालती है वहां से खूब ग्लोरियस होके फिर वो दूसरी तरफ जाती है, तो अच्छी राइटर भी है, अच्छी जो है डिबेटर भी है, और आप लोगों का देख के कुछ करने की कोशिश करते हैं। और ये भी वो बहुत होता है ना कि अगर ऐसे मौके पे शोहर का सपोर्ट जो है, जी 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 नहीं, वकार का सपोर्ट अल्लाह का शुक्र है हर जगह मेरे साथ रहा है, यही वजह है कि वो खुद मुझे पुश कर दे कि नहीं करो तुम, करो तुम कर सकती हो तुम। एग्जैक्टली हमारे शोहर का भी यही था, तो हमने जब इंग्लैंड में थे तो ड्राइविंग करते थे वहाँ पे, फिर जब सऊदी अरब आए तो वहाँ तो 30 साल तो ड्राइविंग तो इलाव ही नहीं थी, अब तो हो गई है सुना, तो वो 30 साल जो है वो नहीं की ड्राइविंग, फिर अमेरिका आए तो फिर इन्होंने इतना इनकरेज किया कि नहीं सीखो ड्राइविंग फिर से सीखो, और वाकई बहुत काम आई, शायद उनको पता था कि क्या होने वाला है। सही कह रही हैं, अब आप मतलब उनके बाद तो फिर ड्राइविंग वगैरह भी दोबारा सीखी 40 साल के बाद दोबारा शुरू की ड्राइविंग, बहुत बड़ी, वही तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह हिम्मत हो इंसान में तो सब कुछ अल्लाह साथ देता है, साथ देता है, और बच्चों के रहने से बड़ा तकवियत तो होती है, तो हमारे जो एक ग्रुप व्रुप भी बन गया है हमारे अमेरिकन दोस्तों का। तो उसमें पार्टीज भी होती रहती हैं, हम लोग मिलके योगा एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहते हैं, वो सब हमें घसीट के शुरू में तो घसीट घसीट के जाती थी हम ज्यादा वो, लेकिन अब तो ना हो तो बहुत रहता है, पार्टीज का तो लोग बहाना देखती हैं, और इतनी मतलब लाइवली उनकी जिंदगी है कि पेडिक्योर मैनीक्योर, और मैं देखती हूँ वहाँ पर लोग ज्यादातर ऑरेंज रेड इस तरह के कलर ये बड़ी बात है, हम लोग को भी देखना चाहिए, हम लोग की थोड़ी सी बस एज होती है और हम लोग बैठ जाते हैं भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना है, गलत है, इसलिए कि फिर लाइफ आपकी अब शुरू होती है ना, होती है वही, तो वो किसी ने कहा कि इतने साल तो हम सीखते रहते हैं, प्रोसेस चलता है सीखने का, अब जब अमल करने का वक्त आता तो बच्चे बैठा देते हैं, बच्चे बैठा देते हैं, इस मामले में बच्चों का भी रोल बड़ा अच्छा है, बहुत इनकरेज करके नहीं अम्मी आप कीजिए और आप कीजिए, और ड्राइविंग शुरू में हमें लगता था कि भाई तो कभी ये लोग बैठते थे अगर में, लेकिन पूरे वक्त हम ड्राइविंग शुरू कर रहे थे दोबारा, तो कहीं जाहिर है कहीं गलतियां तो होती ही नहीं कुछ, ये चुपचाप बैठे रहते थे उसके बाद में जब जाते तब बताते हमें ये तो इन लोगों ने बच्चों ने बहुत इनकरेज किया, तभी भी आराम से अपना खाना पकाना आना जाना, और खातों से ये हमारी जो अमेरिकन दोस्तें हैं उनसे तो हमें बहुत ही मतलब वो मिला, 70-70 साल की 75-80 साल की, तुम देखो तुम कह नहीं सकती हो, अच्छा मतलब जो चलती है वो लोग लाइफ लिए जो चलती है, और हर चीज में पेश पेश, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे भाई आज हमारा पेडिक्योर हुआ है आज बॉडी मसाज के लिए जाना है, तो मेरा बहुत अच्छा उनके साथ भी वक्त गुजरता है, हाँ सबकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है बहुत जरूरी, अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर दे लुक फॉरवर्ड की जहरा क्या बना के ला रही है अच्छा अच्छा देसी गुंडा खाते हैं सब, ये इंडियन खाने भी खाते हैं, हाँ खाते हैं, लेकिन बस हम थोड़ा सा एहतियात रखते हैं कि मिर्चा वगैरह ज्यादा नहीं डालते, कम खाते, बिरयानी 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 से बहुत फैमिलियर है, बटर चिकन से फैमिलियर है, अच्छा अच्छा, तो अब वो खीर उनको बना के लाई तो उसको, हाँ राइस पुडिंग उससे भी, तो अब अभी भी मुस्तकिल आ रहे हैं मैसेज आते रहते हैं कि ये हो गया फलान एक्सरसाइज में आया फलान नहीं आया,
तो पहले बहुत इसी तरह अपना वक्त का पता, जैसे कहते हैं ना कि वक्त कैसे गुजरे, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसकी हमें कोई प्रॉब्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी कभी तो वक्त की जो है कमी भी हो जाती है। नहीं तो ये अच्छी बात है ना कि आपने इतना अपने आप को एंगेज कर लिया है, वरना मैं तो देखती हूँ कि लोग बैठे रहते हैं दिन दिन भर, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा हो गया टीवी चला लिया, देख लिया। तो होता है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप आगे फॉरवर्ड कर दें, लोगों को बता दें, आगे वाली जनरेशन जो है उनका भला हो सकता है हम लोगों के एक्सपीरियंस से जो लोग हैं। वही मैं याद है जब हम शोहर थे तो हम लोग यही कहते थे, नहीं भाई हम तो अलग घर लेके रहेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे पोता पोती कहे कि दादी के घर जाना है, दादा के घर जाना है, तो अब वो हो रहा है। हो रहा है, सही बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो भाभी अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगी कि आप हम लोगों की जनरेशन को, ये जो अभी जो जमाना चल रहा है, हम लोगों की जो जनरेशन है, इसको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बस अरफा यही मैसेज है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत वसूलो, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी, मोहब्बत दोगी तो मोहब्बत मिलेगी। सही है। और है फिर अपनी ज़िंदगी अपने ऊपर तवज्जो देंगे जी। एक वक्त ऐसा आता है कि जैसे ये ठीक है, सब कुछ है, बच्चे हैं, पोता पोती सब हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ भी लाइफ होनी चाहिए। तो ये कि थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंस रखिए, अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से मूव करना, तो इंशाल्लाह सब अच्छा रहता है। बस ये कि कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, तो और फिर जैसे जब दोस्त और वो हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, तो फिर तो ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाती है, गुलजार हो जाती है। ये सही चलिए। तो बहुत शुक्रिया आपने हम लोगों से हमको इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अब मैं आरफा शौकत आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ भाभी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया टॉपिक लेके। जब तक खुदा हाफिज़ कहने से पहले बड़ी उमदा बिरयानी अभी मैंने खा ली आरफा के हाथ की, ज़बरदस्त भाभी। चले भाभी को पसंद आई तो बस यही है, मेरी मेहनत वसूल हो गई और क्या। नहीं नहीं बहुत, यहाँ आते हैं इंडिया तो यही रहता है कि मतलब लुकिंग फॉरवर्ड होता है कि भाई ये लोग हैं, सब अच्छा वक्त गुजरेगा। और बच्चे तो मैं कहते हैं आप जाती हैं तो हम लोग को भूल जाती हैं। हम लोग भी सब पता है 3 साल 3.5 साल हो गए, मैं यही कहती थी शबनम अभी से अक्सर पूछती जरा भाभी कमाएंगी, जरा भाभी कमाएंगी, फिर उन्होंने बताया जरा भाभी आ रही है। तो जरा होता है ना ये माशाल्लाह साल भर भी नहीं पूरा होने पाता है कि भाभी आ जाती है, साल 12-13 महीने ऐसे, लेकिन अब की जब काफी लंबा पीरियड हो गया कि इतना लंबा पीरियड हो गया, तो हम लोगों को भी आदत रहती है कि भाभी आए तो फिर अपना एक मिलना जुलना गेट टुगेदर्स हो जाते हैं कि आज भाभी की उधर दावत है, इधर दावत है, उसमें मुलाकातें हो जाती है, तो बड़ा अच्छा रहता है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा रहता है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल चले दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। चले भाभी बहुत मजा आया आपके पास आके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मैं आऊंगी आपके पास, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए इंशाल्लाह। कभी हम उधर तो कभी तुम इधर। हाँ हाँ चले ठीक है, ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़।